कुछ चीज़ें मैंने अपने तक हमेशा सीक्रेट रखी हैं, और उसका एक रीज़न अगर मैं बोलूं तो वो सिंपल सा ये है कि मेरी हर चीज़ की कॉपी की जाती है जब मैं यूट्यूब पे हूँ तो, और मैं हमेशा से ही कुछ ना कुछ इनोवेटिव लेते आया हूँ, अलग करते आया हूँ, और ये चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ। और यही रीज़न है कि अगर तुम इसे देख रहे हो तो तुम बहुत स्पेशल हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स जैसे चैप्टर की, और मैं ये गारंटी देता हूँ चाहे इससे पहले तुम्हें शेयर्स बना हो चाहे ना बना हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद और ये पूरी सीरीज देखने के बाद अगर मैं सही से बोलूं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा शेयर्स का जो तुम्हें नहीं बनेगा। लेकिन एक बात समझ लो कि अगर शेयर्स के क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, वाकई में करने हैं, तो जो जो और जैसा जैसा मैं बोलते जाऊंगा तुम्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं पहली स्टेप के साथ इशू ऑफ शेयर्स की, और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे कोर क्वेश्चंस पे। मोहल्ले में बन रहे सारे खाली पीली नेता, तो हमने बिगाड़ा साइड वाली आंटी जी का बेटा। महीने भर में पेड़ डाले 40 GB डेटा, और घर वालों को लगता है लड़का गाली भी नहीं देता। गलत अपने लौंडे, गलत अपने लौंडे, कोई भी हो मैटर हम तो सुलटा लेते फोन पे। गलत अपने लौंडे, गलत अपने लौंडे, ऊपर तक के बातचीत रोकेगा कौन बे। गलत अपने लौंडे, गलत अपने लौंडे, कोई भी हो मैटर हम तो सुलटा लेते। सबसे बड़ी दिक्कत कि क्या मेरा अभी भी सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ये हो गया, फलाना ढिमका, ना जाने क्या क्या चीजें हो गई, तो क्या इतनी सारी चीजें मैं अभी भी कवर अप कर सकता हूं अगर मैं ये दो महीने कैसे हुए, जनवरी पूरा है, फरवरी आपके पास ऑलमोस्ट पूरा है, तो हाँ भाई ये पॉसिबल है अगर आप स्ट्रेटेजिकली दिन डिवाइड कर लो। मेरे जो मेंबर्स हैं, मैं सारे मेंबर्स को हटा के बात कर रहा हूँ, सिर्फ गॉड लेवल मेंबर्स की, जो मेरे गॉड लेवल मेंबर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनके साथ जो इंटरेक्शन रखता हूँ, जो उनके साथ मैं इन्वॉल्वमेंट रखता हूँ, उसमें मैं एक चीज़ श्योर करता हूँ कि पर डे के हिसाब से उनकी पूरी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि वो लोग आपस में मिलकर पढ़ते रहते हैं ना, उधर पे मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा ना हो लेकिन इतना इंटरेक्टिव ग्रुप रहता है कि सब मिलकर अपनी तरह से पढ़ाई करते रहते हैं। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे, पहली चीज़ ये नाइट स्टडी का मैटर छोड़ दो जो तुम लोग करके रखते हो हमेशा, नाइट स्टडीज नहीं होती हैं। हाँ एक तरह से कनेक्टेड रहना चाहते हो दोस्तों से, बिल्कुल रहो, लेकिन उसका पढ़ाई पे इम्पैक्ट अब नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें मिनिमम 8-1 घंटे तो देने पड़ेंगे अब पढ़ाई पे पर डे के हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम लोग के नोट करने वाली है वो ये है कि अभी सबसे बड़ी गलती तुम करोगे अगर स्कूल जाके पढ़ाई कर रहे हो, घर पे रहो, जितना टाइम घर पे स्पेंड करके पढ़ाई करोगे, सेल्फ स्टडी में टाइम दोगे उतना अच्छा है। कोचिंग जा रहे हो, वेल एंड गुड, कोचिंग जाते रहो, अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ही कॉम्पिटिटिवली पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप कोचिंग जाके पढ़ रहे हो तो। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे हो कि यार नहीं यार हम कोचिंग भी नहीं जाते हैं, स्कूल हमारे यहाँ अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, क्या करें, आप कॉमर्स बाबा की ऐप डाउनलोड करके कॉमर्स बाबा पे भी आ सकते हो। 20 डेज प्लेज का अर्ली एक्सेस वहाँ पे मिलना शुरू हो चुका है, आप स्टोर सेक्शन में जाओ, आपको पहले ही फ्री एक वीडियो मिल जाएगा वहाँ पे देखने के लिए कि 20 डेज प्लेज में किस क्वालिटी का कंटेंट आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है स्टोर पे जाके आपको 20 डेज प्लेज का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, जो कि फ्री में आएगा, जनवरी एंड में आएगा। लेकिन अगर आपको अभी मेरे साथ रिवीजन करना है तो देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। लेकिन मेरा फिर से वही चीज़ है, सेंटर पॉइंट एक ही चीज़ पे है, अभी आप अगर अकेले नहीं कर पा रहे हो, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग अलोन, आपको किसी ना किसी का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। अपने टीचर के साथ बैठो और उनसे बोलो सर प्लान आउट करो मेरे को, मैं ऐसे 1.5-2 महीने के अंदर कैसे पढ़ सकता हूँ। स्कूल टीचर से एक बार पूछ लो, मैम बताइए मैं कैसे प्लान आउट कर सकता हूँ। लेकिन अगर अभी भी आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं है, तो अगर आपको इन डिटेल नॉलेज चाहिए, यहाँ पे मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना, इन डेप्थ नॉलेज अभी भी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट याद ही नहीं हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है समझ में ही नहीं आ रहा है, नेशनल इनकम के कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे समझ में ही नहीं आ रहा है, नॉट ए फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों गलत जा रहा हूं मैं, क्यों आंसर नहीं आता, समझ में ही क्यों नहीं आता, ये सारी चीजों से अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो बिलीव मी अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है एक ऐसे टीचर का साथ पकड़ना जो उंगली पकड़ के तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स तक लेके जाए, हर एक चीज तुम्हें करवाए। अगर कोई होम ट्यूटर लगा सकते हो वेल एंड गुड, अगर स्कूल का टीचर तुम्हें 2 महीने बिठा के पढ़ा सकता है वेल एंड गुड, अगर मेरे अलावा कोई ऐसा और यूट्यूबर है जिसपे तुम्हें ट्रस्ट है वेल एंड गुड, अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो 20 डेज प्लेज जैसा पढ़ना चाहते हो, कंटेंट कोर एक एक पॉइंट करना चाहते हो, आ जाओ स्टोर सेक्शन कॉमर्स बाबा का, प्ले स्टोर पर जाओ कॉमर्स बाबा डाउनलोड करो ऐप, स्टोर सेक्शन पर आओ, 20 डेज प्लेज को अर्ली एक्सेस में लॉग इन करो, साइन इन करो उस सब्सक्रिप्शन के लिए, एक एक चीज मैं बारीकी से पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर यहाँ पे तुमने एक होम ट्यूटर का या एक कोई टीचर का अगर तुमने वो थोड़ा बहुत पैसा बचाने की सोचा, याद रखना
ये 4-5-6 हज़ार रुपये जिंदगी भर भारी पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे दे दो, मैं ये कह रहा हूँ अगर अभी ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं तुम्हारी भलाई के लिए बात बोल रहा हूँ, मेरे से मत करो, मेरा सब्सक्रिप्शन मत लो जाके, मत करो तुम। लेकिन याद रखो कि अभी तक अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अभी तक तुम्हारे अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, अभी तक तुम्हें चैप्टर्स में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, प्लीज प्लीज एंड प्लीज किसी एक टीचर के अब छाया तले आ जाओ, गार्जियन बना लो उसको और उससे पढ़ना शुरू कर दो। वरना अभी भी अगर तुम ये सोच के बैठ गए कि मम्मी पापा से कैसे बोलूंगा कि मुझे किसी नए टीचर से पढ़ना है, मम्मी पापा से कैसे बोलूंगा कि ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन ले लेता हूं, तुम अपनी कब्र खोदना शुरू कर चुके हो। और इसी हिचकिचाहट के कारण तुम्हारा मे बी 12th का रिजल्ट बिगड़ सकता है। अभी तुम्हें किसी के गाइडेंस के अंदर आना बहुत जरूरी है। मेरा 20 डेज प्लेज 24th या 25th या बाय द एंड ऑफ जनवरी, मैं कोई डेट प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाय द एंड ऑफ जनवरी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर इस टाइम के अंदर तुम्हें तैयारी करनी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं वापस बोलूंगा, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, बिलीव मी हर एक कंटेंट बहुत डिटेल में है। जाओ कॉमर्स बाबा की ऐप डाउनलोड करो, वहां पे फ्री में ऑलरेडी एक वीडियो डला हुआ है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो, ये 20-25-30 दिन इतने सारे वीडियोस होंगे जो तुम्हारा पूरा रिवीजन करा देंगे, कॉन्सेप्ट्स बना देंगे कोर तक। अगर तुम्हें अर्ली एक्सेस चाहिए तो मम्मी पापा को दिखाओ, बात करो, और वो सब्सक्रिप्शन अर्ली एक्सेस का तुम ले सकते हो। अभी भी मैंने इसलिए ओपन किया है उन लोगों की मदद करने के लिए जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। एंड मैंने कोशिश ये की है कि एक महीने का कोई अगर तुम्हारा होम ट्यूटर भी चार्ज कर रहा है, वो मैंने जो 3 महीने के लिए लेगा वो तो खैर बहुत ही अलग बात, चलो मैं उसके बारे में जाते ही नहीं हूँ, छोड़ो मैं किसी के बारे में क्यों कुछ बोलूँ, लेकिन मैंने इतना उसे अफोर्डेबल रखा है कि तुम उसको एक्सेस कर सको। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये कर रहा हूँ अर्ली एक्सेस में, वरना मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैं यही कहूँगा कि इट्स नॉट जस्ट मी, अगर तुम्हें कोई और लगता है तो उसको पकड़ो और उसके साथ ये 3 महीने पढ़ाई करो। बिलीव मी, अभी तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, अभी तुम्हें कोई मॉनिटर करे इस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर ऐसा कोई तुम्हें मिल जाता है, तुम्हारी 12th बन जाएगी, तुम्हारा करियर सेट हो जाएगा, ये चीज़ ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि 12th के रिजल्ट से सब कुछ हो जाता है, बट एफर्ट मैटर्स, बट योर डिसिप्लिन मैटर्स, एंड इसके लिए अगर तुम साल भर कर पाते तो आज तक तुम तैयार होते नहीं हो। बनाओ किसी को गार्डियन और तैयारी शुरू करो, ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको सीरियसली लेना, जोक नहीं है। 3 महीने बाद तुम्हारी लाइफ जोक बन जाएगी अगर इसको अभी जोक लोगे तो, एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। एफर्ट डालना शुरू करो, पढ़ाई शुरू करो, कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर करना चालू करो। क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है? हाँ। क्या अभी भी 90 के ब्रैकेट में जाया जा सकता है? हाँ। क्या अभी भी मैं 80s के ब्रैकेट में था, 95% क्रॉस कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल हाँ। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, लास्ट में सुन लो, डजंट मैटर कि वो मैं हूँ या नहीं हूँ, एक अच्छा टीचर ये 3 महीने में तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। तब तक के लिए दिस इज आशीष चौधरी साइनिंग ऑफ। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया।